हेलो गाइस, ग्रीटिंग्स टू ऑल। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब मस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, आपकी डेली सुबह 8 बजे मंडे टू मंडे 1 घंटा फ्री की क्लास होती है, और ये क्लास मुश्किल से 15 मिनट की होती है। आप इस क्लास को डेली देखा करो। क्यों? क्योंकि इस क्लास से आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, और ये क्लास आपके पेपर के साथ साथ आपकी लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन भी है, वो स्कूल में जाता है, तो आप उसके साथ भी इसको शेयर करो, ताकि उसको भी पता चलता रहे कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। फाइन, जैसे आप सबको पता होगा, आज है 19 फरवरी, और आज हम 19 फरवरी 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आप इस क्लास को अंत तक देखना। क्यों? क्योंकि आज इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, और इन्हीं करंट अफेयर में से आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। आइए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ डीके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की पहली करंट अफेयर्स है हमारी COP 13, यानी COP 13 कहाँ आयोजित की जाएगी। एक ये मीटिंग होती है, ये कहाँ आयोजित की जाएगी? ये इस बार गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, याद रख लेना। COP 13 गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जाएगी। फाइन, दी 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP इज गोइंग टू बी होस्टेड बाई इंडिया ड्यूरिंग 15 to 22 February 2020 एट गांधीनगर इन गुजरात। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, जो इंडिया है ये 1983 में इसका पार्ट बना था। फाइन, पेपर में बन सकता है कि CMS यानी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का इंडिया पार्ट कब बना था? ये 1983 में बना था। फाइन, और ये इस बार गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जाएगी। जो इंडिया है वो इस बार एशियन एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इस लिस्ट ऑफ स्पीसीज में इंक्लूड करने की बात करेगा। फाइन, ये दोनों के दोनों आप याद रख लेना, एशियन एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। और इंडिया शैल बी डेजिग्नेटेड द प्रेजिडेंट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और अगले 3 साल के लिए जो इंडिया है वो डेजिग्नेटेड प्रेजिडेंट है इसका, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन ही बन सकता है, तो आप इसको भी याद रख ले, ठीक है। और COP 13 में तो आप समझ गए ये किसके लिए होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि ये कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं उनके बचाव रख रखाव के लिए एक ये कन्वेंशन होती है। तो इसलिए जो भारत है वो एशियन एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी इस लिस्ट में डालने की इस बार बात करेगा। फाइन, और इस बार का लोगो क्या है? वो है कोलम, और अगर ट्रेडिशनल होम फ्रॉम साउथर्न इंडिया, और इसका मस्कट है गिबी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू UNEP रिपोर्ट, इंडिया इज हैविंग 29,964 एलिमेंट सेंसेज इन 2017। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंसेज इन 2017 UNEP ने करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग भारत में 29,964 एलिफेंट थे, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? इसकी थीम है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। फाइन, मैंने आपको जितनी भी COP 13 से सारी बातें बताई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है, किसने 10वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ये किसने जीती है? ये हरियाणा ने जीती है, ठीक है, याद रख लेना। हरियाणा ने 10वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट है, BBIN की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ठीक है, याद रख लेना। BBIN की फुल फॉर्म बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि हाल ही में नई दिल्ली में BBIN यानी बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ने मोटर व्हीकल अधिनियम की बैठक हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने पहला खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जीता है? ये किसने जीता है? ये लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने, ठीक है, याद रख लेना। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने अपना पहला खेलो इंडिया में आइस हॉकी टूर्नामेंट जीता है। फाइन, दी लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर यानी LSRC रेड वॉन दी फर्स्ट मैन सेक्शन खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020। फाइन, और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को हराया। फाइन, नेक्स्ट है, किस राज्य ने इंटर्नशिप स्कीम स्कूल और कॉलेज बच्चों के लिए लॉन्च किया है? ये किस राज्य ने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है, याद रख लेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटर्नशिप स्कीम स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए लॉन्च किया है। फाइन, नेक्स्ट है, वैश्विक बौद्ध संपदा सूचकांक यानी
ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? इसमें भारत का कौन सा रैंक है? इसमें भारत का 40 रैंक है, ठीक है। आउट ऑफ 53 कंट्रीज इंडिया रैंक इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इज 40, फाइन। और इसके साथ साथ अभी भी आ रहे ना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी रिमेन द टॉप 5 इकोनॉमिक्स ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इन 2019। नेक्स्ट है, भारत और मध्य एशिया व्यापार परिषद कहाँ आयोजित की गई है? ये कहाँ आयोजित की गई है? ये न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखें ना। भारत और मध्य एशिया व्यापार परिषद न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। तो जैसे आपको पता होगा कि न्यू दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाई एम्परर जॉर्ज फिफ्थ ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 और इट वॉज डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटिंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, फाइन। और न्यू कैपिटल बनी थी 13 फरवरी 1931 को और उस समय वाइसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन, फाइन। जैसे आपको पता होगा हाल ही में दिल्ली के चुनाव हुए हैं और उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, फाइन। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ यानी लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया है? किसको प्रदान किया है? ये उन्होंने डॉक्टर एन एस धर्माशक्तु को, ठीक है, याद रख लेना। डॉक्टर एम एस धर्माशक्तु और लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट न्यू दिल्ली को रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? इन्होंने कितनी सीटें जीती हैं? इन्होंने 62 सीट्स जीती हैं, याद रख लेना। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 62 सीट्स जीती हैं और 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और कांग्रेस ने 0 सीट जीती है, फाइन। और आप याद रख लेना, दिल्ली की विधानसभा में 70 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 सीट है। नेक्स्ट है, WHO ने नए कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? जैसे आपको पता होगा कि जो हाल ही में जो कोरोना वायरस फैल रहा है उसको WHO ने एक आधिकारिक नाम दिया, वो क्या नाम दिया? वो उन्होंने कोविड 2019, ठीक है, और इसको वुहान कोरोना वायरस भी कहते हैं, फाइन, ठीक है। अब याद रखें ना, कोविड 2019 WHO ने नए कोरोना वायरस का नाम दिया है, फाइन। और जो कोरोना वायरस रेफर्स टू ग्रुप ऑफ वायरसेस, ठीक है, और CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI stands for virus and D stands for disease, fine। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादातर शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादातर लाइक और शेयर करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कहोगे तो मैं आपके लिए एक बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो स्टार्ट कर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको स्टैटिक GK पढ़ाऊंगा। और आप ट्रस्ट करना, जैसे आपने देखा होगा कि यूपी टेट में पॉलिटी के क्वेश्चन जो मैंने कराए थे डायरेक्टली उसमें से ही आए थे। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे तो मैं आपके लिए एक स्टैटिक GK की भी क्लास शुरू कर दूँगा। वो क्लास मैं आपके लिए सैटरडे संडे लाऊंगा और आप ट्रस्ट करना, स्टैटिक GK का क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं बनेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप उसको याद कर लोगे। आपको याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी, बस आपको इस क्लास को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। नेक्स्ट है, सिम प्लस को कौन $250 million में खरीद रहा है? ये कौन खरीद रहा है? ये इन्फोसिस, ठीक है, याद रखें ना। सिम प्लस को $250 million में इन्फोसिस खरीद रही है, फाइन। और जो सिम प्लस कंपनी है ये फाउंड हुई थी 2014 में, इसका हेडक्वार्टर साल्ट सिटी में है, फाइन। और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वेस्टवुड जी, फाइन। और आप इसके साथ साथ आप इन्फोसिस का भी जरूर याद रखना। इन्फोसिस फाउंड हुई थी 17 July 1981 को, इनका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है और इसके की पीपल नंदन नीलकणी जी चेयरमैन है और इसके MD और CEO सलील जी, फाइन। आप इन सारी बातों को जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट है, किसने APJ अब्दुल कलाम की बायोपिक की पहली लुक रिलीज की है? ये किसने की है? ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने, ठीक है, याद रख लेना। प्रकाश जावड़ेकर जी ने APJ अब्दुल कलाम की बायोपिक की पहली लुक रिलीज की है। नेक्स्ट है, किसने सूर्य के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत की है? ये किसने की है? ये सोलर ऑर्बिटर ने, ठीक है, याद रख लेना। सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य के ध्रुवों यानी जो सूर्य के पोल्स हैं उनका अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत की है। और ये जो सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है यूरोपियन ने बनाया और ये 1800 kg का है और ये मिशन शुरू होएगा नवंबर 2021 में और ये एक्सटेंड हो सकता है 2026 तक, फाइन। एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में, ठीक है, आप इन सारी बातों को जरूर याद रख लेना। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, किसको भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता यानी लार्जेस्ट एयर
क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क निगरानी नेटवर्क मिलेगा। ये किसको मिलेगा? ये मुंबई को मिलेगा, ठीक है, याद रख लेना, मुंबई को भारत का लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क मिलेगा। नेक्स्ट है, सरकार ने NIFM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नया नाम क्या रखा है? इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने रखा है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइन, आप ये भी याद रख लेना NIFM की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अभी इन्होंने इसका नाम अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रख दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखें ना, NIFM सेटअप हुई थी 1993 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा, हाल ही में हमारी वित्त मंत्री कौन है? वो हैं निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट है, किसने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? ये किसने जीती है? ये आदित्य मेहता ने, याद रख लेना, आदित्य मेहता ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, 2019 में सेप्टिक टैंक और सीवर को साफ करने के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? ये कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? ये हो गई है 110 लोगों की, ठीक है, याद रख लेना। 2019 में सेप्टिक टैंक और सीवर को साफ करने के दौरान 110 लोगों की मृत्यु हो गई है। फाइन, और वैसे ये हमारी इंडिया में बैन है। और 2018 में 68 डेथ हुई थी, और ये डाटा किसने रिलीज किया है? ये सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया है। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़कर अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।